इकट्ठा करूं, क्या करूं मेरे भाई, क्या हो? बैठाओ मेरे को। ओ नहीं, ओ भाई पंजा मार दिया। अब मैं गया नहीं नहीं, अरे छोड़ दे अलवा सोरस, बिग फैन छोड़ दे। प्लस भाई जिसको आज अपन टीम करने वाले हैं गाइस, उसका नाम मेल खाता है अल्लू अर्जुन से। यस आप उसको जानते होगा, लेकिन ठीक उसी की तरह से डायनो वर्ल्ड में भी एक अल्लू सोरस है जो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, इतना ज्यादा खतरनाक कि भाई आपने सोची ना होगी। हाँ सच में ये डायलॉग आपने काफी बार सुना होगा। तो लेट्स गाइस उसको टीम करने के लिए मेरे काफी सारे डाइट एमओ चाहिए होंगे, जिसको क्राफ्ट करने के लिए मैंने फिलहाल के लिए गन पाउडर बनाया है कुछ, ताकि मैं उस डार्ट एमओ को बना के उस अल्वासोरस को बिल्कुल टाटी टाट पे सारे एमओस को पेल मारूं। तो देखो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्राफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने गन पाउडर कर लिया क्राफ्ट। अब चलते हैं भाई अपने क्राफ्टिंग टेबल पे, और देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च करता है इसका नाम क्या था भाई, खाली एमओ भी रख लेते हैं, क्या पता गाइस सिचुएशन ऐसी हो कि उसको मैं टेम ना करके उसको मारने की जरूरत पड़ जाए, तब गाइस चाहिए होगा अपन को एक ऐसा वेपन जो कि उसको हरा दे। तो देख रहे हो गाइस मैप का सीधा लास्ट वाले कोने पे वो डायनो पाए जाते हैं, मेरे को उसको ढूंढने में भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन मैं उड़ते उड़ते वहाँ पे पहुँच गया, वो वहाँ पे मेरे को दिख गए थे, पता नहीं इस बार भी दिखेंगे या नहीं। तो लेट्स गाइस फाइनली मैं और मेरा आरजी दोनों बिल्कुल रेडी थे अल्वासोरस को टेम करने के लिए। भाई टेम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता मेरा भाई, वो जो डायनोज होते हैं ना ऐसे लगड़े लगाए कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लगा इसी खतरनाक जंगल जो कि डायनासोर वर्ल्ड से यानी कि डायनोज से भरा हुआ है, फिर भी अपन उन सारे उसको टीम करेंगे और भाई नेक्स्ट जो गेम प्ले आएंगे ना उनमें तो वो काफी तक खतरनाक मजा आएगा। तो गाइस लास्ट को ये जो आपको पत्थर दिख रहा है ना सामने, इस पत्थर के ठीक उस साइड ये आरजी थे। एक सेकंड भाई इनसे पेलना पड़ेगा, भाई यहाँ पे मैं एक आरजी को टेम कर रहा था ताकि वो मेरी हेल्प कर पाए, लेकिन देखो क्या हो गया, यहाँ पे बिन मतलब के कुछ आरजी मेरे को पेल रहे होते। क्या लगता है पेल देंगे इनकी भैंस का लगड़ा? ये आरजी तो अपन बाप आरजी है, इसकी भैंस का लगड़ा। रुको इस सालों मेरे पीछे आओ। और भाई जो मैं जिसको मैंने टेम किया था ना भाई, वो भी किसी को पेल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों गायब हो गया। मैं दो और ये क्या जीत पाएंगे? अक्कड़ बक्कड़ एक गया, अक्कड़ बक्कड़ तेरी भैंस की लकड़ी, रुक जा तू भी जाएगा मेरा बेटे। ये लास्ट को आ जा, गिर वो पत्थर से टकरा, मुंह टूटा ना, क्या मजा ये। अब देखो इसको टेम करने के बाद गाइस अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, इसको पूरा खाएंगे गाइस, पूरा खाएंगे। अरे साइबर तू तो नहीं, भाई इसने खा लिया, बट कोई नहीं अपन यहाँ से भागता है, इससे पहले ये मेरे को खा लिया। भाई मेरी एचपी भी डाउन थी, लेकिन बच गए गाइस। अब देखो यहाँ से मैं उतरता हूँ, और उतरने के बाद गाइस मैं बुलाता हूँ अपने दूसरे वाले को, दूसरे डायनासोर भाई। ये देखो सामने एक सेकंड, हाँ वो आ गया, बैठ गया। अब ये देखो भाई, ये जो ये सामने आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, ये भी अल्वासोरस है, उसके साइड में जो ब्लैक वाला है ये भी अल्वासोरस है। तो इसको टेम करने के लिए ना अपन को काफी सारे एमोस को इसके ऊपर मारना पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ी बात है कि मैं इसको मारूं कैसे। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये दोनों मिलके मेरी इस तरीके से लगाएंगे भाई कि मैंने सोच भी नहीं पाऊंगा। तो गाइस मैं यहीं से कोशिश करूंगा, बिकॉज ये इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, ऐसा मेरे को लगता था कुछ देर के लिए लगता कि नहीं चढ़ पाएंगे, बिकॉज गाइस देख रहे हो इतना ऊपर है कैसे चढ़ जाएंगे, और सारी एमोस मेरे को पत्थर में लग रही थी। अरे साले तुम्हें थोड़ा बाहर क्यों नहीं आते, क्या डरपोक है क्या? तो यहाँ पर मैं निकलता हूँ भाई अपनी ये नार्को एरोज, भाई नार्को एरोज से भी काम नहीं चलता, तो अपन सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा नीचे चला जाए। लेकिन भाई वो दोनों भाग गए मेरे को देख के, भाई भाग गए, देख रहे हो दोनों भाग रहे हैं, मेरे को ऐसा लगा कि ये भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अपने शिकार की तलाश में निकल गए और एक टाइटल पे अटैक कर रहे होते। तो मैं सोचता हूँ भाई यही मौका है इसको डाउन करने का। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको एक दो मारता हूँ पंजे वंजे, और एक और बार मारूंगा मैं इसको, लेकिन उतने में भाई एक बाइट लेता और मेरे इसका देखो भाई, मेरे आरजी के ब्लड ही ब्लड भाई, इतना ज़्यादा ब्लड और बहुत ज़्यादा स्लो भी हो गया, मेरे को लग रहा भाई ये नीचे ना गिर जाए। नीचे गिरते ही भाई मेरा ये गया, बच गए भाई, बच गए। और भाई बाल वाल बचे भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं किस तरीके से बच गया, लेकिन मैं दोबारा से आगे इस पत्थर पर बैठ जाता हूँ, ये पत्थर बेस्ट लोकेशन है सारे डायनो से बचने के लिए। लेकिन गाइस तब भी देखो एक सेकंड, अरे क्यों चिल्ला रहा है, बैठा रहना आराम से। ये देखो ये दोनों आ रहे हैं मेरे को पेलने के लिए, क्या लगता है भाई ये पेलते हैं? भाई मेरे को ये रेड वाला टीम करना, बिकॉज रेड वाला दिखने में थोड़ा सा ना यूनिक सा लग रहा है, तो रेड वाला इज अ बेटर। यस रेड वाले को अपन टीम करेंगे। अरे सालों खाली पुच्छे दिखाते हो, पूरी बॉडी दिखाओ तभी तो मैं एम करूंगा, थोड़ा मुंह भी तो दिखाओ। अरे अरे काले वाला तो भाई यहीं रह गया। अब देखो ये दोनों आके ना यहाँ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन भाई ये छुप जाते हैं, भाई ये पेड़ों के बीच में है ना ये छुप गए, बट आ नहीं रहे। ये देखो कालू वाला आ रहा है, बेटे इधर आ, इधर आ, यस इधर आ, इधर आ, इधर आ भाई। ओ नहीं भाई ये सच्ची में आ गया, ये तो ऊपर चढ़ गया भाई, मैं थोड़ा सा नीचे आया था भाई, चढ़ गया, भागना पड़ेगा। अरे तुम आरजी इधर आओ ताकि ये तुम्हें पहले मेरे को नहीं। भाई आरजी तो मैं दोबारा टेम कर लूंगा, मेरे पास एमोस बहुत है, लेकिन गाइस मैं मर गया तो भाई सारा खेल खत्म। लेकिन मेरा आरजी आ रहा है वापस, क्यों चले गए? मेरे को बिठाओ अपने खोपड़ी पे, खोपड़ी बनी पीठ पे। इधर आओ सालों, किधर भाग रहे हो? इधर आओ, यस
बैठाओ मेरे को। ओ नहीं ओ भाई पंजा मार दिया, अब मैं गया 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 नहीं नहीं अरे छोड़ दे अलुआ सोरस, बिग फैन छोड़ दे भाई, ये नहीं छोड़ने का। आज ये पूरा दांत 32 के 32 या 64 होते होंगे जितने भी, ये पूरे मेरे बॉडी में चिपकाने वाला है। अरे रुक जा ओ भाई मैं बच गया क्या? नहीं बचा। ओ भाई लास्ट पॉइंट पे मेरी एचपी देखो दिख भी नहीं रही, ये लगता और मैं गायब था, लेकिन सारा संभाल लिया। अरे यार जी यू आर अ बिग डैडी ब्रो, बिग डैडी इधर आओ पास में आओ मेरे को बिठाओ। यस भाई अब देखो गाइस मैंने एक को पेल दिया, बस एक बचा जिसको अपन को टेम करना, और तुम्हारा भाई आज हीरो बन के ही जाएगा बिल्कुल आलू अर्जुन की तरह। यस अब देखो कुछ नहीं करना, बस मैं अपने आरजी को लेके जाता हूँ भाई, इसको पुष्प पत्थर पे बिठा दूंगा ताकि और कोई मेरे ऊपर अटैक ना कर पाए। और भाई ये देखो ये नीचे भाई ये कहाँ से आ गया भाई, ये अल्फा क्या है इसका नाम भाई, इसका नाम अल्फा रैप्टर। यस अल्फा रैप्टर, ये भैंस के लकड़ी भाई ये मेरे को मार रहे होते हैं, तब मैं कहता हूँ भाई आ जा आरजी मेरे दूसरे वाले, तू आराम मत कर, इसको पेला दे भाई इसको। और भाई तभी ये देखो कि एक तो भाई ये भागता इतनी तेज है ना मैं क्या बताऊँ, और पेले जा रहा भाई लगातार एक के बाद एक हमले। अभी रुको ऐसे हार नहीं मानने का मैं, ऐसे नहीं भाई। ओहो ओ भाई लग गई, ओ नहीं छोड़ देना नाल के पिल्ले, अभी एक रैप्टर में सो जाएगा तू। ओ भाई बचा मैं, देख लो भाई बिल्कुल ब्लडी ब्लड कर दे, मेरा आरजी आई थिंक संभाल लेगा इसको, क्योंकि भाई मेरी अभी दोनों एनर्जी डाउन हो चुकी है, एचपी भी डाउन हो चुकी है, मैं नहीं चाहता ये मेरे को पेल दे मेरा भाई। अब देखो मेरे आरजी को ये भगा रहा है, आई थिंक ये मरने वाला है इसलिए डर के भाग रहा है। आरजी छोड़िए मत उसको, पेला दे दियो बिल्कुल। किधर लेके चला गया, अरे कूने में ले जाकर पेल मत दियो भाई, ले गया। लेकिन मेरे को लग रहा है भाई पेल देगा मेरा आरजी। अरे नहीं आरजी वापिस आ जा, मेरे को लग रहा है तू पेल देगा, पिल जाएगा तू, मैं उल्टा हो गया भाई, मेरे को लग रहा है मेरा आरजी गया भाई। आजा वापिस, कहना मार मेरा साले, आजा वापिस। हाँ भाई मेरे को ही जाना पड़ेगा भाई, पेल दिया भाई इतने में, मैं कह रहा था कि ये पेल देगा, लेकिन कह सकते में ही आखिरकार मेरा आरजी साले तेरी भैंस के लकड़ी लेगा। ओ भाई इसने मेरा आरजी पेल दिया यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार, इतनी मुश्किल से मैं टेम करता हूँ भाई। एक बात बताऊँ मैं, इस गेम के अंदर आपको टेम करने में इतनी ज्यादा मेहनत लग लेगी, लेकिन दूसरे ही पल गाइस ये, तो गाइस यहाँ पे आके मैं बैठ जाता हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मेरा एक आरजी पेल गया इसकी भैंस की लकड़ी, लेकिन अपन ने बदला निकाल लिया। आप देखो अपन का मेन भाई अल्बोसोरस ये देखो फंस गया भाई पेड़ में, यही तो चाहिए था, बिना ट्रैप के पकड़ने का मजा ही अलग होता है मेरा भाई। तो देखो उसको पकड़ने के लिए है ना मेरे को सबसे पहले मेरे को चाहिए था, अरे खाना क्यों खा रहा है, आ रहा मेरे पास, भागो 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 भाई, पता नहीं कैसे मैं तलो में बच गया भाई। अब देखो वो भाई कार्लो के पास चला गया, अब देखो काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि वो कार्लो को भाई हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, देख लो क्योंकि उसके पूरे बॉडी में आग लग जा पड़ी है भाई, बिल्कुल आग लावा हो चुका है, इतने गुस्सा हो रखा है। तो भाई मैं इसको मारता मुड़ता हूँ कि ये मेरे पीछे आए, लेकिन मेरे को लगता है भाग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है बस कि ये भाग रहा है, लेकिन देखो जैसे ही मैं इसके पीछे आता हूँ सारा दांत मार रहा है। अरे साले तेरे को अभी रुक जा बताता, तेरे को आज तो मैं टेम करके ही लेके जाएगा। तो भाई इसको टेम करने के लिए मैंने मुट्ठी बना ली है, अब इस मुट्ठी से मुट्ठी मारी जाएगी, यस मतलब इससे मुट्ठी में बंदूक पकड़ के मारी जाएगी मेरे भाई, बंदूक पकड़ के मारी जाएगी। इससे पहले सबसे पहले है ना इसको ट्रैप करना पड़ेगा, तो लो मेरे भाई इसको ट्रैप करने के लिए मैं इस पत्थर पे चढ़ गया था, और भाई ये इस पेड़ में फंस गया भाई, पता नहीं कैसे बट ये पेड़ में फंस गया। अब देखो इतना इजी नहीं था मेरे को इसको पेड़ में फंसाना, बहुत ज्यादा भाई ट्रैप बनाओ ये करो लसन करो, लेकिन अब ये फंस चुका। अब भाई सारी के सारे बुलेट इसको पेलता हूँ, एक गई अब भाई सारी जड़ दूंगा जितने भी है मेरे पास, 5-7 बचे आई थिंक। अरे आरजी पीछे क्यों चला गया, ओ भाई ये मेरे साथ बीजे, चलो सही है। आखिरकार भाई सारे बुलेट्स पेलने के बाद खत्म करने के बाद तब भी कुछ नहीं होता, मेरे को पता था कुछ नहीं होगा। अब भाई नार्को एरोज दिखा दे कमाल, 3 3 चौथा भाई इसको लग भी रहा है ना, कितना ढीठ है भाई ये तो, मरने वाला हो गया भाई। और भाई ये डाउन नहीं हो भाई, नार्को एरोज और ट्रैंक भाई काम नहीं करी भाई, मेरे पास बच्चे भी नहीं, अब मैं क्या करूं मेरे भाई, क्या हो गिर गया आजा साले बेरा सा बेरा था भाई, पिल दिया इसको, यही सही मौका है। अब देखो भाई इसको मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना दे दिया है, अब भाई यहाँ से थोड़ा सा इसको टेम करने का इंतजार करते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, बिकॉज मैंने काफी बार टेम करने की कोशिश करी है। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं भाई अल्ट्रा मीट इसको देते हैं भाई, इसको ये बड़ी वाली
प्राइमेट खिलाता हूँ भाई, तब ये जाकर के बिल्कुल ठीक होगा भाई। इसको मैंने प्राइमेट खिलाया, मैंने भी थोड़ा बहुत खाना वाना खा लिया है, बिकॉज गाइस अब ये टेम होने वाला भाई, टेम हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा बिकॉज, क्योंकि छोटे छोटे जो डायनोज होते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं भाई, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देते हैं, बाद में आके इनको मरा हुआ देख के भाई वो खा लेते हैं वो। तो भाई यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा मजा आएंगे। अरे यार यहाँ पे हक क्यों दिया मैंने। तो लास्ट गाइस वो टेम हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था टेम होने, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को हटा दिया। अब देखो गाइस फाइनली टेम हो चुका था, और ये देखो ये रहा, ये रहा मेरा अलवसोर सपन का सुपरस्टार मेरे बेटे। चलो चलो आज तुमको लेके चलूंगा तुम्हारे ऊपर सैडल बना के, जो वो नल्ले डायनोज होगा उनको जो पिला दूंगा भाई, नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखता हूँ इसके इन्वेंटरी में क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। और भाई मेरे को बाद में याद है भाई, मेरे जो ये था ना मेरे आरजे, इसके पास भी 4 एरोज थे, बट मेरे को याद नहीं था भाई। मतलब एक पल के लिए तो भाई कहानी खत्म हो गई थी, बट कोई नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना मेरे को, इसको अपने घर लेके जाना है, सैडल बनाना है, और थोड़ा बहुत पेल के देखना कि आखिरकार ये दिखता कैसा है, आखिरकार ये रिएक्ट कैसा करता है। अब देखो भाई ये बाप है, देखो ये पत्थर के ऊपर से लेके आया, ये चढ़ जाएगा भाई, मेरे को पता ही चढ़ जाएगा। अरे साले ऊपर से आना था ना, क्या नीचे से आ रहा है। तो भाई फाइनली इसको काफ़ी दूर से लाया, ये नल्ले का पिल्ला भाई पेड़ में फंस जाता, पत्थर में नहीं लेकिन ये पेड़ में, इसके ऊपर अटैक कर चली जा रहा है, इस कछुए को खा के दिखा के तो कितने देर में खा लेता है इसको। अरे साले फंस गया क्या, अरे आ रहा है, आ रहा आ रहा है, अरे दोबारा अटक गया, इधर आ इधर, यस यही चाहिए, यही चाहिए, इतना ही अग्रेसिव, और अग्रेसिव, और ज़्यादा पेला दे दो भाई, बिल्कुल 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 मेरा भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये नल्ला निकला भाई। मेरे जो रैक्स था ना भाई, उसने 3 अटैक में खा लिया था, बट आई थिंक ये ज़्यादा लेवल का होगा इसलिए टाइम लग गया, बट गाइस इतना लगना नहीं था। बट गाइस दोनों के दोनों टाइटल को अपन ने ढेर कर दिया, यही काफ़ी दम मस्त था। तो गाइस फाइनली मैं अपने टाउन के काफ़ी तक क्लोज आ चुका हूँ, और भाई इसी क्लोज है इसके साथ अब इसका सैडल बना के इसके ऊपर राइड करने का, राइड रेड राइट, यस राइट इज अ बेटर बेटर थिंग। अब देखो भाई यहाँ पे मैं आता हूँ, आने के बाद फटाक से इससे नीचे उतरता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये है अपना का रैक्स, और भाई ये अपन का रैक्स है, और भाई ये अपन का थैरी है, और भाई ये अपन का अल्वासोरस। अब देखते हैं कौन ज़्यादा बड़ा है, मेरे को लग रहा भाई रैक्स ज़्यादा बड़ा होगा भाई। रैक्स तो बाप निकला भाई, रैक्स अभी भी बाप है भाई, देखो रो ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा, उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा था अपन का अल्वासोरस है, और उससे थोड़ा सा छोटा अपन का थैरी है, मतलब देख रहे हो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त। और इसके बीच में एक और डायनो आता है भाई, उसको नेक्स्ट वाले गेम प्ले में टेम करेंगे। लेकिन गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप सो अगर आपको गेम प्ले पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो डू सब्सक्राइब, बाय बाय एंड